Sank down in emotions, feel like I never did before. Life shows in the spoken, real saw the movie I ignored. Blue skies on a broken sea, and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're called is falling out of line. They don't know the truth. ठंड बहुत ज़्यादा है कोयटा, जिस चीज़ के लिए मशहूर था वो चीज़ें स्टार्ट हो गई सर्दियाँ। चूल्हे वगैरह निकल गए, पाइप लग गए और गैस नहीं आ रही। सो मैंने आप लोगों को बताना था कल के बारे में कि भाई कल मैं गया था शादी पर, उसका व्लॉग मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया। पर उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मालूम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दो दिन पीछे। दो दिन क्यों, एक दिन पीछे यार, कल गया था, परसों नहीं। Sank down in emotions, feel like I never did before. भाई कपड़े बन गए मेरे। हाँ भाई कपड़े बन गए। जिस शादी में हम लोगों ने जाना था उसकी टाइमिंग थी सुबह 12 बजे, और ये सब शॉट्स लेते लेते मुझे बच गए थे 3, इसलिए मैंने आगे ब्लॉग बनाया नहीं और मैं जल्दी से शादी में भागा। और जब वहाँ पे पहुंचा तो जस्ट खाना चल रहा था और एंडिंग थी। बाकी काला ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा था, कैसा जच रहा था, उसके लिए मैंने एक अलग ब्लॉग सोचा है, वो मैं इंशाल्लाह कल या परसों बनाऊंगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात आपको बताऊं कि भाई अभी सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है घर से निकलना किसी का भी नहीं होता है। कोशिश यही होती है कि हीटर के सामने बैठे रहो हर टाइम। लेकिन मैं और बिलाल भाई कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग सर्दियों में नहीं करते। वॉक करने। क्योंकि फिटनेस का भी ख्याल रखना है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सर्दियों में बस हीटर के सामने मजे से बैठ जाते हैं, और आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मोटा हो रहा है, तो वॉक जरूरी। इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कोई जिम वगैरह भी ज्वाइन करें। पर अभी मैंने और बिलाल भाई ने सोचा है कि हमारा फर्स्ट डे ऑफ वॉक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा कि मेरे घर से लेके मस्किटियर्स तक हम लोग वॉक करके जाए। कितना अंधेरा है यार, रुको मैं देखो दिख रहा है कुछ है। ले आओ जी। ते कुछ दिख रही नहीं यार। आप लोग ज्यादातर देखते होंगे कि मैं बाजार में वीडियो नहीं बनाता हूँ इस तरह चलते, लेकिन कैंट में माशाल्लाह ऐसा माहौल है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है कि मेरा मोबाइल कोई खींच के चला जाएगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पे जो है बड़ी खुल के बड़े मजे से वीडियो बना रहा हूँ, आते जाते फुटपाथ पे चलते हुए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। हाँ तो गाइस, फ्रेंड्स, भाइयों, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चलने के बाद फर्स्ट डे था, मैं भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आई नो कि इतने अंधेरे में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ मस्किटियर्स कैंट में, और यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैंने वॉक किए। रहमान ये है व्लॉग वॉक वाला, क्योंकि रहमान मेरा एक दोस्त है जो मुझसे पूछता रहता है कि वॉक का व्लॉग डाला करो, वॉक के लिए कौन सी जगह अच्छी। मेरे नज़रिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से कैंट बेस्ट जगह है वॉक के लिए। अगर आप आते हो, आपको जस्ट CNIC चाहिए एंट्री के लिए, एंड देन ओके। उसके अलावा अभी हम पहुंच गए मस्किटर्स, और यहाँ पे अभी हम चाय कदा पर आए, कोई चाय शाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, और फिर यहाँ से वापस घर को निकलते हैं। चाय शाय पीते हैं। क्या पियेंगे, क्या पियेंगे यार, आप बहुत ऐसा बोलते हैं। बोले चाय शाय पियेंगे। Sank down in emotions, feel like I never did before.
Live shows in the spoken real, saw the movie I ignored. Yeah, abuse time. Son of broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took. So, abhi jo hai hamara यहाँ पे जितना वॉकिंग एक्सपीरियंस हमने करना था वो कर लिया और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर की तरफ. सो यार जब से मैंने ये ट्राइपॉड खरीदा है ना, सीरियस शॉट्स लेने का मजा ही आ जाता. लगा जी लगाने दुनिया नहीं है.